मुबारक हो। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, मेरा एक बचपन का दोस्त, मतलब स्कूल का, जी फहद अमजद, जो कि जी आज की तारीख तक महीने में हम दो दफ़ा मुलाकात हो जाती है, उसका मैंने मोबाइल चेक किया आज, तो उसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मुझे। ये तो मेरी वाली हरकत की है हाँ, यार, मैंने तो साल बाद किया था। बिल्कुल, तो लोग जो है ना बहुत अजीब से होते हैं, तो इसलिए पहले ही बता दो कि क्या क्या करना है, एंड पे ना छोड़ो। ठीक है, मैं पहले आपको बता देती हूँ, आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, पेट्रन बनना है, जैज कैश इसी पैसा, अगर आप बर्थडे कराना चाहते हैं तो वो भी करा रहे हैं, हम नाच भी लेते गा, ओए ये गाने का 500 रुपया भी लेता है कोई भी, आप डेडिकेशन कर सकते हैं, रास्ते भी हैं, सो डोनेट एज मच एज यू वॉन्ट टू कीप अस गोइंग, और बेल का आइकॉन पे भी, यार अली बेल के आइकॉन से बिफोर वी मूव ऑन टू द बेल के आइकॉन में ना मैंने किया भी हुआ है, तुम्हारे नोटिफिकेशन जहाँ मुझे 2 दिन बाद मिलते हैं ये मुझे आते ही नहीं है, नहीं, मैं तो ये देखता हूँ, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या मस्त है, बिल्कुल वो देखता जा रही है, नोटिफिकेशंस नहीं आते यार, पहले आ रहे थे लेकिन अब नहीं आ रहे थे, एनीवे फहद साहब आपके गम में हमने ये किया है, एनीवे इंट्रो। Another big day today. Yes, तैयार हैं आप? There is another birthday और आज के दिन में पैदा हुई है मेहरुन निसा, जिनको विश कर रही है नूरुन निसा। कैसा लग रहा है मेरे को पैदा होकर? वैसे तो आई लव योर नेम, वो बहुत पसंद है ये ना, हाँ, दूसरा तो ये है कि मुझे ना ये नूरुन्निसा बड़ी पसंद आई। अच्छा क्यों? हाँ, उसकी वजह ये थी कि उनको लगा कि इन्होंने पोस्टमार्टम तो करना है, तो मैं खुद ही बता देती हूँ। उन्होंने क्या बताया तुमने? कहा जी कि मैं बड़ी, मुझे फख्र है अपनी बहन पे। अच्छा अच्छा, और दूसरी है, चीज़ ये असल बुनियादी बात वो बाद में इससे आएगी। पहले कि तुम अज्यूम करने लगो। हाँ, उन्होंने अच्छा कहा कि दूसरा ये है कि वो मेरी बिल्ली का ख्याल वो रख रही है, डोनट का। बेसिकली वो ग्रेटिट्यूड में ये सारा कुछ हो रहा है। ओके ओके ओके, इट्स ऑल फॉर द बिल्ली। हाँ, और तीसरा उन्होंने ये कहा कि आपने बर्थडे विश भी करनी है, हाँ और साथ में ये दुआ भी करनी है कि मेहरुन निसा का अमेरिका का वीजा जल्दी रिन्यू हो जाए। आमीन, और फिर उसके बाद हमारा भी लग जाए फॉर सम ऑड वाह, रीजन, ठीक सुम्मा है? मीन। हाँ आमीन। मैं तो अप्लाई भी नहीं किया, ये तो शायद सोच में, मैं तो अप्लाई भी नहीं किया लेकिन लग जाए, हाँ ठीक है? तो और तो उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई पुराना पाकिस्तानी पॉप सॉन्ग। पॉप सॉन्ग से तो मुझे नाजिया हसन ही याद आई है गाइस, और उनका एक बेहतरीन गाना गाया, मेरे स्टेप्स पे ना जाएगा प्लीज, सिर्फ इसको सुना करें, मुझे इग्नोर कर दिया करें, ठीक है? चलिए जी, आग देते आग ले ले, आग से है जिंदगी हाँ यहाँ। आग दे दे आग ले ले, आग में पाइंदगी इतनी आग के निहां। अलावा मैं चांद सूरज और सितारे, आग के हैं सब नजारे। आ देखो सना, आग से है प्यार का जहां। हो, आई हूं मैं गीत सुनाने को, आग से दिल के दीप जलाने को। शोलों पे पलती है जहां, है उठता जलता तूफान। हो, यार मुझे मजा इतना आ रहा है, मैं गाई जा, इतने सालों बाद किसी ने मुझे ये गाना याद कराया है। वो मैं ही थी, द ग्रेट माहो, एंड हैप्पी बर्थडे अगेन मेहरुन निसा, आई होप इनको आपको गाना भी पसंद आया हो, बिल्कुल, एंड और भाभी अगर तो आप अमेरिका में ही हैं और वीजा हाँ रिन्यूअल का इंतजार कर रही हैं, तो अल्लाह करे जल्दी हो जाए, और ये है कि फिर आप हमें विजिट कर सकें पाकिस्तान में, हाँ और अगर पाकिस्तान में हैं और वीजा आना है उसके बाद आपने अमेरिका जाना है, जाके सानू भूलना जाए। ठीक है, मुझे भी बुलाना है प्लीज, मैं बहुत स्लो हूँ वीजा के मामले में, लेकिन आप खुद अपने दिल को ना उसमें इन्वेस्ट करके मुझे बुलाएं। खैर, दैट्स बर्थडे फॉर यू, और अल्लाह करेगा आपका वीजा भी लग भी जाए। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं खबरों की तरफ, और इससे सबसे ज्यादा जो हाईलाइट मीडिया पे चल रही है वो है एंजेलिना जोली इज वंस अगेन इन पाकिस्तान। 2010 के फ्लड्स में भी ये आई थी, बहुत काम किया, बड़ी रिपोर्टिंग शिपोर्टिंग में उन्होंने जाके की थी कि कौन से मसले हैं और कौन से नहीं हैं, एंड शी इज बैक इन पाकिस्तान, और वो सिंध की तरफ ज्यादा क्योंकि वहाँ नुकसान बेतहाशा हुआ है, शी इज देयर, शी लेफ्ट हर दादू टुडे मेरे ख्याल से वहाँ पे गई हैं, बिकॉज वो तो बिल्कुल
बिल्कुल जो है ना वो क्या नाम है ड्राउन हो गया वो पूरा एरिया. इसके साथ साथ मुफ्ती मेंग जिनकी बहुत ही उच्च फॉलोइंग है एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई सी ऑन ट्विटर, वो भी पाकिस्तान में आए हुए हैं. बड़ी खामोशी से वो आए थे और रिलीफ काम इस टाइम पे लगे हुए. थैंक यू सो मच, दिस मींस अ लॉट टू अस. बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों के आने से ना हाँ. वो हो जाता है ना, लोगों को पता लगता है पूरी दुनिया में जी. अब जिस तरह कल के मैच में मैं देख रहा था कि वो स्काई न्यूज वगैरह पे पूरे पैकेजेस चल रहे थे कि आप डोनेट करें वो इंग्लैंड की ऑडियंस के लिए. Exactly. और वो सारा पाउंड्स में बता रहे थे कि आप इतना पाउंड देंगे तो इतने लोगों का खाना हो जाएगा. हाँ. इतना हो जाएगा. फिर ये है कि हमने उनके लिए भी क्लैपू करना है इंग्लैंड के प्लेयर्स के लिए कि वो सारे पैसे हमें वो डोनेट करके जा रहे हैं और फिर प्लस इंग्लैंड बोर्ड ऑन टॉप ऑफ इट वो भी कर रहा है. ठीक है. और क्या नाम है, कल उनके एम्बेसडर क्रिस्टन टर्नर भी आए हुए थे, उनका भी इंटरव्यू वहाँ पे चल रहा था, उन्होंने भी रिलीफ की वो बात की थी. इसके अलावा मेरे हस्बैंड जो केएफसी हैं उनका मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि उन्होंने जिनिया बिकता कटोगे 50,000 जो है हम लोग को डोनेट करते जाएंगे. नहीं, लेकिन उनको काफी झुकते पड़ी है मैच में. क्यों? क्योंकि सब कह रहे थे कि जी बहुत कम पैसे हैं, मतलब वो बैंक अल्फला जो है वो $1,000 दे रहा है छक्के पे मेरे ख्याल में. यार मैं तो कह रही जो जितना दे रहा है ना देता है. हां नहीं नहीं, तो सही ना, मतलब मैं ना फिर वैल्यूएशन उस तरह की कहती हूं, कहती हूं यार नहीं नहीं बात बिल्कुल सही है, सॉरी है, बल्कि मैंने बहुत नहीं नहीं फजूल बात की. नहीं, आपने लोगों की बात की ना कि लोगों का क्या उसमें था. मेरा हमेशा ये होता है कि जरा जितना मर्जी देना मैंने ना जान दो, आ तो रहा है ना, ठीक है, हेल्प तो होगी. So, shout out to all of you and I hope international और भी ज्यादा community जो है वो donate करती रहे. और मैं ये घटिया बात करने पे जो है माफी मांगता हूँ आपसे. अबे तेरा opinion थोड़ी था. वो उसमें ना ये मेरे जो उस्ताद है ना, जो मेरे पहले उस्ताद था घर से बाहर, वो जिशान हुसैन, वो मेरे बारे में कहता होता था कि यार तू इनिया वडिया वडिया गल्ला कर दे एकदम ना चिकड़ च बह जाने. तुम ये देखो मेरी हिम्मत है, मैं सिर्फ चावलों पे चल रही हूँ वाली, मैंने कभी कोई काम की बात नहीं की, मेरा भी तो है ना उस तरह से. हाँ जी, अच्छा ये ना बात आ जाती है ये रिलीफ एफर्ट्स एंड व्हाट एवर द स्टेट इज डूइंग और बाहर से जो पैसे आ रहे हैं इसके बारे में. जो लोकल सतह पे प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज्यादा हुआ था कि लांदे नहीं पाए, उसके अंदर शानाना गुलजार जो थे वो सरे फरिश्ती. However, उनके बारे में इस वक्त ये खबर है कि उनके 5 माह से उनका इस्तीफा कबूल हो चुका है एंड शी इज स्टिल रिजाइडिंग इन द सरकारी कार. ठीक है, वो छटन तो तैयार नहीं है, लॉजिस भी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है. और ये वही हैं जिन्होंने बीबीसी पे बैठ के इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात के आपने पैसे भेजे ना तो और कोई नहीं लांदे पे रिलीफ एफर्ट्स पे. चांदना साहब क्या क्या चाहती हैं, क्या है वो? तो मेरा भी ख्याल कि मैंने ट्विटर पे कहीं पढ़ा था कि अभी तक पीटीआई के किसी भी बंदे ने लॉज खाली नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, सब वहीं पे बैठे हुए हैं. ठीक है, तो आप असूल पसंदी की बात करती हैं. एक तो मतलब चलो ठीक है, आपने आपने घर नहीं छोड़ना ना, आप ना छोड़े कोई बात नहीं, आपको कोई नहीं निकाला, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके इस किस्म की बातें ना करें प्लीज, अलग वास्ता है. खैर, नेक्स्ट जो खबर है वो हमने लास्ट टाइम पंजाब हाउस की तज़ीन व आराइश के ऊपर की थी कि जी बड़े पैसे लग रहे, जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा जस्टिफाई किया था कि 19 करोड़ को इन्होंने जस्टिफाई किया था, बाबू लोग लगे हैं ना काम से सारे दिन ना कुछ कहते पे उन्होंने रहने दे. ठीक है, हाउएवर उसको कम करने के बजाय उस खर्चे को मजीद बढ़ा दिया गया है. नाउ इट स्टैंड्स एट 47 करोड़ 42 लाख. ठीक है अली, किसकी चिड़ में किया है आजकल 19 करोड़ में क्या होता है? 19 करोड़ कितने होर भी लग सकते हैं, जेडे केएससी ने 50,000 पे बात कर रहे हैं ना इस बैठ के कि इतने आपने थोड़े दिए थे, ये कहीं और भी लग सकते थे इस टाइम पर. नहीं, लेकिन तुम देखो ना कि जिन लोगों ने सारी जिंदगी कौम की खिदमत की है वो अब एक अच्छा मार्बल तो मतलब वो चलेंगे गंदे से मार्बल पे, वो चूतों से चिप चिप की आवाज आएगी. मतलब आप लोगों के टेस्ट को नहीं वो दिखाता है, उनको क्रिस्टल क्लियर सरफेस चाहिए इस टाइम पर. लेकिन खाने शाने करने होते हैं आपने, लोगों के मिलना मिलाना होता है, वो मतलब फूड सब्सिडाइज्ड होना चाहिए और ड्रिंक्स भी सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए. मतलब ऐसे कानूनी लगता है अली, व्हाई आर यू सिटिंग विद मी? उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बानी दी है प्राइवेट जॉब में छोड़ के, जो आपने बड़ी दफा ये पॉइंट रेज किया है कि वो कर सकता था प्राइवेट जॉब, लेकिन उसने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए सीएसएस कर दिया. ठीक है, और वो बेचारा हर रोज तो क्रिटिसिज्म में आए होते हैं सारे. एनीवे, हमारे ऑनरेबल जजेस भी होते हैं हमारे, और भी मतलब तमाम जो स्टेट फंक्शनरीज जो सारे शाउट आउट. ठीक है, यही खत्म कर दो इस बात को, पहले कि मैं बोलना शुरू कर दूं. अच्छा जी, जीसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने किया कि एडमिशन फॉर्म के अंदर इन्होंने कास्ट का क्लॉज ऐड कर देता कि उन्होंने खत्म कर दिया. नहीं किया था ना, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कास्ट का क्लॉज ऐड हुआ था
और अब वो उन्होंने बहुत एहतजाज हुआ उसके ऊपर, ठीक है, आउटरेज था, एंड दे हैव रिमूव दैट क्लॉज फ्रॉम द एडमिशन फॉर्म. अली तुम्हें ये पता करा के क्या मिलेगा कि अगला बंदा गुजर है कि राजपूत है कि मतलब क्या फर्क पड़ेगा इस चीज? देखिए डाक खाना मिलाने के लिए बड़ा जरूरी है. अनलेस इट्स इफी डिसाइड टू तेरा मैच चल रहा होते गुजरों के साथ, मतलब ये क्या है, व्हाई वुड दे बी इंटरेस्टेड? और यहां पे पॉइंट जहां मैं रहती हूं ना, वहां पे सालाना तौर पे मुझे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसमें तो खैर मजहब के क्लॉज भी पड़े होते हैं, उसमें भी वो मेरी कास्ट जरूर पूछते हैं. हाँ वो इसमें होता है ना कि होंगे हो तुम जी बढ़ाई चुने फलाने बढ़ाई तू जानते हो, हाँ की लगते ने फलाने मेरे हो या लगते ने, बट ठीक है फ्रेंडशिप. बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन ना मुझे आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. मैं तो कहती हूँ राजपूत भट्टी आगे से कोई बिल्कुल ना बस यूं ही होते कि अच्छा ठीक है बस खत्म, लाइक देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम एनीवन आउट देयर. ये फजूल है ये बात यार. पता नहीं मैंने खैर ना ये खबर क्योंकि पूरी नहीं पड़ी तो फिर दस्ती क्यों सी? नहीं मुझे तो ये लग था कि शायद ये क्लॉज ये हमेशा से था और 2022 में फाइनली निकल आए. शायान शाउट आउट टू यू अगेन. सो शायान खबरों में इसलिए आए हैं कि उन्होंने ट्वीट की है कि देखिए मैंने प्रोटेस्ट किया क्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट करप्शन के नवाज शरीफ के बाहर और सबने मीडिया ने कवरेज किया, किसी ने मेरा नाम नहीं लिया. आर यू गाइस लिफाफास? ठीक है तो मुझे ना मतलब आई नेवर थॉट कि दिस ट्वीट विल एंड दिस वे कि जी वो उनको लिफाफा कह रहे कि शायान का नाम नहीं लिया. तो आई थिंक मुझे भी उस तरह से फील हुआ था कि आपने तजिए की बात की और आपने माहौजारिया का तस्करा भी किया, मुझे वो वाली फीलर आ गई थी. अरे मैंने इस ट्वीट के बाद बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं बाकायदा सहाफी नहीं रहा क्योंकि अब ना ये पोस्ट इमरान खान ना सहाफत एक पुल सरात पे चलने का नाम है क्योंकि कड़ी मुड़ी तुसी लिफाफा हो जाते हो. तो मेरी हमदर्दी है सहाफी भाइयों के साथ. और लेकिन मेरी ये आपसे गुजारिश भी है क्योंकि मैं शायान साहब को बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ, जिनका बहुत बड़ा हिस्सा उनके प्रोफाइल पे ना रोड़ के गुजार देती हूँ. तो नेक्स्ट टाइम जब आप कवरेज करेंगे तो प्लीज उसका, जब मैं उनको शाउट आउट दे सकती हूँ तो आप क्यों नहीं उनका नाम लेते हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो प्लीज जरूर उनका जिक्र कीजिएगा. आप ये देखो ना कि मतलब मेरे लिए तो वो रोल मॉडल है. उसकी वजह ये है कि मुझे सीजनल साइनस होता है ना, तो जिन दिनों में होता है ना मैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे लगता है कि मैं मेरे से कुछ होगा ही नहीं काम, मैं इतना मतलब जी. वो बंदा परपेचुअल साइनस के साथ प्रोटेस्ट कर रहा है, इनकलाब लेके आ रहे हैं, वो क्या बात है? मैं और गाइस मैं और हूं, ठीक है, वो जो आ रहा हूं है ना मैं उसको बड़ा एंजॉय करती हूं. एक और वीडियो उनकी लगी, मैं कहा जाकर देखा, मैंने अभी टाइम नहीं मिला था मुझे. खैर ऑल द बेस्ट शायान, कीप गोइंग. ठीक है आपने ना बस सबकी एनर्जी डाउन नहीं होने दी थी क्योंकि वो जो कंटेंट आ रहा है ना वो हमें गोल्ड कंटेंट है. अच्छा इधर ना मैंने लिखा नहीं लेकिन दिमाग में रह गई ये बात, टैंकर्स क्यों लग रहे हैं साहब बात में? व्हाट्स हैपनिंग? वो खान साहब ने शायद तुम्हारी बात पे उन्होंने कहा जब आपने कहा कि खान साहब उन तुसे मुड़ना नहीं है तो कोई लंबा सीन डालने वाले हैं, अगर तो सीन पड़ गया ना तो हमारी तो एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे तो दिन बदल जाएंगे उस टाइम पर. एनीवे पीटीआई primarily अगर आप इकोनॉमी की बात करें जिसका इस वक्त कड़ा मासी मचा हुआ है और समझ नहीं आ रही है कि स्टेट इकोनॉमी जरूर देखिएगा, आज वो एपिसोड भी आ चुकी है, यू नीड टू वॉच दैट. वो उनकी कोर कमेटी बैठ के पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन करने लगी है आफ्टर लाइक जो अपने दौर में वो करते रहे, और शौकत तरीन इज प्रॉब्ली हायर अप द रैंक्स बिकॉज जो कुछ वो करते रहे हैं उसके बाद
नून लीग को जो स्टेप्स लेने पड़े वो बहुत अनपॉपुलर हो गई एंड एवरीथिंग एल्स, सो ही इज लीडिंग द वे. व्हाट आर दे ट्राइंग टू कम अप विद? अच्छा वैसे ये खुदा की कसम मैं ये सार्केस्टिकली नहीं कह रहा, ये वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं. उसकी वजह ये है कि बेसिकली तो पॉलिटिकल पार्टीज का काम ही ये होता है कि वो जब बैठे हों ऑपोजिशन में तो वो एक्चुअली बताएं कि भाई आपकी हुकूमत ये गलत कर रही है और अगर आप ये स्टेप इस तरह से ले लोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा या बेहतर हो जाएगा, व्हाटएवर. असल में तो काम ही होते हैं. यहाँ पे तो अजीबो गरीब मसाइल चल रहे होते हैं. ऑपोजिशन वो कह रही है मुसलमान नहीं है, एदा फलाना नहीं है, भैन नस गई है, एदा फलाना. और यार ये है काम करने वाला, आप निकालो इकोनॉमी का वाइट पेपर, आप कहो जी कि इधर ये मसाइल हो रहे हैं और इसको हम होते तो ऐसे कर लेते. और आप अगर इतने सगे हो मुल्क के, मतलब हुकूमत को वो कहें तो आप ऐसे करो, हम आपको बताते हैं आपने कैसे करना. और फिर अगर वो कामयाब हो जाती है हुकूमत तो फिर क्रेडिट लें कि देखिए इनको तो पता ही नहीं था, हमने बताया. यहां पे करना सी ना चलो को मतलब भी वैसी हुन याद आ गया. वो तो एक अलग इशू है कि तब किया या नहीं किया, लेकिन अब ये जो ये वाला हां था अच्छा इसे हाथ बंधे हुए भी ना सर, उन्होंने इतना इस्तेमाल किया हाथ बंधे हुए थे, इमरान का कसूर नहीं, मैं तो मानती हूं. वो इतना वैसे वो कमाल है ना, मैं अब तो खाल कॉलम पढ़ता नहीं, मेरे से आप नहीं पढ़े जाते, पता नहीं करना है फिर सारा दिन तू बैठ के अभी दस दे मैं लूं. लेकिन इंस्टा पे एक्सरसाइज भी लड़कियां ताड़ता हूँ और अच्छा खैर किसी और दिन की ये डिस्कशन आई विल टेल यू. अच्छा तो लेकिन यार जो स्वरूप का बड़ा ही वो वैसे लॉन्ग रीड है, लेकिन वो जो उसका कॉलम छप गया ना डॉन में बैलेंसिंग एक्ट, ओ हो 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 भाई वो क्या खूबसूरत कॉलम है, वो एक तो आप जरूर पढ़ें, सबको पढ़ना है इसी टाइमलाइन पर है. दूसरा ये है कि वो उसमें वैसे तो एक एक चीज इतनी मजेदार है, लेकिन उसका एक खास जुमला जो मुझे यहाँ पे वो याद आ रहा है ना वो ये है कि इस वक्त जो खान साहब जो जंग लड़ रहे हैं वो सिविलियन सुप्रीमसी की नहीं है. उसकी वजह ये है कि खान साहब ये नहीं कहते कि इस्टेब्लिशमेंट साइड पे हो जाए और हम जो है मतलब पार्टियां आपस में डील करें. वो कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना वो ऐसा आ जाएगा जो करप्शन को नहीं रोकेगा, तो हमने ऐसा लगाना जो करप्शन. भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम ही कोई नहीं करप्शन रोकना, मतलब अगर तो मिलिट्री के अंदर खुदा ना खास्ता कोई करप्शन हो रही है वैसे तो ये हो ही नहीं सकता लेकिन तो उसको वो रोक लें. हुकूमत क्या करप्शन कर रही है वो उसके लिए 26 इदारे हैं, जुडिशरी से लेके नैब से लेके तो एफआईए से लेके तो पता नहीं क्या सारे कुछ चकार तो रहे अपना अपना. हाँ तो अब कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो करना उन्होंने ही है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का लेना देना ही कोई नहीं है इस काम से. अच्छा लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि नहीं वो करें, क्योंकि फिर भी बात है खान साहब को जो अब ये खैर उन्होंने कॉलम में तो इतना ही है लेकिन मसला वही है, अगर सिविलियन सुप्रीमेसी हो भी जाए ना तो मतलब बाकी पार्टियां शायद उसमें खुश हो जाए, इमरान खान साहब खुश नहीं हो सकते. उसकी वजह ये है कि खान साहब को जिस मतलब और बेसिकली पीटीआई को जो चप्पे चढ़ाने की आदत है वो नहीं हो सकता जब तक आप मिलिट्री आपके साथ ना हो. पूरी पीटीआई का हुकूमत इज भी पूरी पीटीआई का जो महबूब मशकल है ना चेक कीता ही सारा तो पीछे पैर है. वैसे बाकी अगर उनके दौरे हुकूमत के बारे में थोड़ा सा आप बिल्कुल स्क्विंट करके देखें ना तो उसमें आपको ये महसूस होता है अरे लो वो चा पंगे हो दे पीछे जा रहे हैं इधर पीछे जा रहे हैं उसके पीछे जा रहे हैं. हां बस हवाई जो चप्पे चल रहे थे ना अभी भी चल रही है. हां हां वो अभी भी लगे हुए हैं पिटिशनों पे, पिटिशनें जाती हैं उनकी. एनीवे तो देखें अब क्या वो पॉलिसी लेकर आते हैं, अपने जमाने में तो वो नहीं कर सके थे. हां नहीं लेकिन ये काम बहुत अच्छा है. अच्छा ये जबरदस्त है इसके क्लिप. ओके आई मीन इफ यू इंसिस्ट ऑन दिस. अच्छा जी YouTube जो है ना उसको थोड़ा थोड़ा थ्रेटन फील कर रहे हैं बाय TikTok बिकॉज़ TikTok बाय फार इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म राइट नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब अगर वीडियो कंटेंट है ना तो आप उधर ही जाओगे, मुझे तो Instagram मुझे रील्स का भी मजा नहीं आता, मुझे TikTok का ही मजा आता है. तो अब YouTube ने ये किया है कि जो अपनी शॉर्ट्स हैं जो शॉर्ट वीडियो आप उसमें डाल सकते हैं उसको मोनेटाइज करने का फैसला किया गया कि यू विल बी पेड फॉर दैट, लेकिन दैट्स गोना स्टार्ट इन 2023. तो अब आप अपना कंटेंट जो है ना अली आपने उस लिहाज से बनाना शुरू करना है ताकि आप वहां से भी पैसे कमा सके. भाई ये भी जनरेशनल मसला है कि वो हम क्योंकि बुड्ढे हो गए हैं ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि वो जो है ना मतलब हमें फ्रेम नजर ही ऐसे आता है, हम ऐसे ना फ्रेम हमें समझ ही नहीं आता. तेनू कितनी बारी लोगों ने क्या है ओदे विच के अली भाई शॉर्ट्स में ना इस तरह करें ठीक है ऐसे नहीं करें लेकिन आप ऐसे ही हैं उस वक्त के. हाँ
तो वो एक बड़ा मसला है, लेकिन उसकी जाहिर आदत डालनी पड़ेगी, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज वही बात, थ्रेटन होके इन्होंने ऐलान तो कर दिया कि 2023 में पे करेंगे, क्योंकि टिकटॉक भी पे तो नहीं करता। मतलब टिकटॉक में तो वही है ना, व्हेन यू गेट लॉट ऑफ एंडोर्समेंट तो फिर ब्रांड्स पे यू। लेकिन ये उसको पीछे छोड़ने के लिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फेसबुक आजकल जो है अक्सर कंटेंट पे सर्ज लगा रहा है, और उसकी वजह ये है कि वो यूट्यूब, वो कंटेंट क्रिएटर को यूट्यूब से फेसबुक पे लाना चाह रहे हैं। सारे सब ये लड़ाई चल रही है यूट्यूब की, अब उस पे चल रही है टिकटॉक पे। तो बाहर जब शुरू होगा हम भी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करनी अली, करना है ना यार। और इधर लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं चकू करूं यार। वैसे क्या मसला है आप लोगों के साथ, एक और टिक करने में आप लोगों का क्या जाता है? नोटिफिकेशन, मैं आपको बता रही हूं, नोटिफिकेशन कोई नहीं आ रहा है मुझे। आप सब्सक्राइब तो करें, कोई आपको तंग नहीं करेगा। Anyway, I think we're gonna wrap up with the last news here. फिर उसके बाद हम next episode में आते हैं, और वो ये है कि जी केपी की जो हुकूमत है उन्होंने बिल पास कर दिया है अबाउट द यूजेज ऑफ हेलीकॉप्टर। पहले चीफ मिनिस्टर किया करते थे, हुन जड़ा ना मिनिस्टर भी करेंगे, तो जितने बाबू शाह उनके कैबिनेट के अंदर हैं और जो हुकूमती इदारों के अंदर हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मुझे शौक ही समझ नहीं आ रही कि एडा केड़ा स्यापा पै गया है हेली यूज करने का सारियां। अच्छा, इसमें ना पार्शली तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल वही वाली बात है कि मतलब ये क्या बात हुई कि सिर्फ सीएम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर और कैबिनेट मेंबर मतलब किसी मिनिस्टर ने किसी जगह पे ऐसी तरह सैलाब वाली जगह पे पहुंचना है, सीएम कहीं और बिजी है, तो वो क्या ना यूज करे वो ये, इधर तक तो ये ठीक है। अब वो खबर जो है ना, मैंने अखबार में पूरी पढ़ी है, उसमें इस तरह का भी शायबा है कि अब सीएम साहब जो है वो अपनी परमिशन से शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, किराए पे भी दे सकती है हेलीकॉप्टर। तो अरे ब्याह तो इतनी देर लग पाएगी, मैं सोच रही था, याद है मैं बूंदाबांदी की गाड़ियां बारात लेके जा रही थी पिछले दिनों यहाँ पे लाहौर में, ऐसे ब्याह तो देंगे दूल्हा आए। अच्छा, अब उन्होंने ये बिल, अगर ये इस तरह है तो बिल उन्होंने इस वजह से ये नहीं किया था, उन्होंने तो इसलिए किया था ना कि यार अगर इमरान खान को जलसे के लिए हेली चाहिए तो क्या, तो फिर आप एक अप्रूवल तो फिर ना? रेंट हमने तो रेंट हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जाहिर है अब इसके बाद सीन तो ये बनेगा, क्योंकि सबने अब कभी खुशी कभी गम की तरह शाहरुख खान वाली एंट्री कर, और यूं करके जिया भारती जो है ना वो प्लेटर लेके जाएगी उसके लिए। तो फिर आप खुद सोचे, कमाई का अच्छा जरिया है वैसे, नॉट बैड। हमने तो उसको भी इंडोर से किया था, लेकिन ये 55 रुपए लीटर के हिसाब से ना दे दें। अगर तो पैसे ज्यादा ले रही है तो ठीक है। तो खैर अभी फिलहाल उन्होंने ये दूसरा पास किया, जैसे पे चलो मेरा तो हो गया, प्रेशर खत्म हो गया, लेकिन अदरवाइज अब लाड़ों पे बड़ा प्रेशर होगा कि जी अब ये एक एडिट खर्चा है कि बेबी तुम मुझसे आ ताड़ी बरात हैली ते नहीं आई रिमोट के से, तुसी हाले तक तुसी हैली ते अपग्रेड नहीं हुए हो। वैसे इस तरह की डिमांड कीजिएगा नहीं, सीरियसली वो हैली जो है ना उसकी मेंटेनेंस भी करनी है, मैंने ना इतने उतर डिगिया पे आ। एनीवे ओके, सो वी आर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड इन अ मिनट, सी यू।